शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर एहो योद्धा सी जिन्हें पूंजीपतियां तो जमीना छड़ा के जिमीदारां नूं दित्तियां लैके कल की धरतों थापड़ा हो सतगुरु मेरिया आओ कलगियां वालिया पंथ दिया मालका ओटा तेरिया। वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल फतेह ब्लॉग ते अज आपां चले चप्पड़चिड़ी जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लड़ाई की 1710 ईस्वी में। हांजी अज आपां तुहानूं दिखावांगे चप्पड़चिड़ी की लड़ाई जिथे हुई सी उत्थे उन्हां नाल सी बाबा बाज सिंह भाई फतेह सिंह ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ते चलो अज आपां लैके चलदे तुहानूं चप्पड़चिड़ी जिथे उन्होंने 1710 ईस्वी में युद्ध लड़िया सी। ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਅਜੂਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਥਰ ਥਰ ਡੋਲੇ ਫਰਕਦੇ ਉਹ ਗਿਆ ਖੂਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ ਹਨਾ ਜੀ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ 327 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾ 327 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ ਸੀਗੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਉਦਮ ਹਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਗਈ ਹਨਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੰਦਾ ਹਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਵ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਖੜਕਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
एक दहशत पैदा करती सी कि एक शेर जिम्मे आप दहाड़ के कहने ना आउंदा गा इस तरह की वो एक एंट्री सी है ना सिख इतिहास के एंट्री दे ध्यान रखते हुए आप इतने आए हैं क्योंकि सिख इतिहास की जी यह शख्सियत है मैं नहीं लगता भी अपन खोले करनी चाहिए है ना। तो इस तो इलावा जड़ियाँ इतने होर मतलब कि बनाए गए हैं स्तंभ बनाए गए हैं जी उचाई दिते गए हैं तो उन्होंने थोड़ा उच्ची जिमें आप कहने स्थान पर रखा गया गा उन्होंने नाम मैं थोड़ा वारी थोड़े दसती जाऊँगी तो तुम बहुत ही ध्यान ना क्लिप में जो देखा गा वीडियो देखा गा तो अपने बच्चों के नाल जरूर शेयर करो है ना क्योंकि बच्चों अपनी हिस्ट्री का जरूर पता होना चाहिए जी साड़ी जन्म भूमि हैगी वो बारे सानू जरूर पता होना चाहिए गा। मेरे ख्याल तो हर एक पंजाबी नू पता होना चाहिए चाहे कोई बाहर बैठा चाहे कोई पंजाब के अंदर बैठा ठीक है जी। सो प्लीज़ चैनल में शेयर जरूर कर दियो फ्रेंड्स के नाल कि यह वीडियो क्योंकि सारे लिए कंपलसरी हैगी जितों तक मैं हो सकता मैं शेयर करूँगी पर जितों तक थोड़ा फर्ज बनता गा कि अपने बच्चों के नाल उन्हां दे फ्रेंड्स नाल शेयर जरूर करो ठीक है जी। तो एक टीचिंग लाइन के भी थोड़े लिए सक्सैसफुल होगा है ना। तो चलो ठीक है फिर आप मिलते हैं अगे तो हूँ आप अंदर एंटर होंगे ठीक है जी। तो जी मुलाकात है कदों हुई सी 1707 ईस्वी में हुई सी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ना बाबा बंदा सिंह जी की मुलाकात उन्होंने नाम पहला माधोदास बैरागी सी ते जो पातशाह जी ने मिले तो उन्होंने उन्होंने नाम गुरबख्श सिंह रखिया फिर उस तो बाद अपन पता ही है बाबा बंदा सिंह बहादुर का नाम किमें पिया बहादुर तो उन्होंने योद्धा सी ते बंदा सिंह उन्होंने नाम से रखिया सी ते बंदा सिंह बहादुर इस करके नाम से उन्होंने पांच तीर दिते सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर कि मुगलों नाल लड़न वास्ते उस तो बाद तो पता ही उन्होंने किमें इट ना इट खड़काई सरहद की चप्पड़ चिड़ी मुगल राज किमें खत्म किया तो वो अपन सारे पता ही है तो बाकी आप अज तुम्हें दिखाने उरे उन्होंने पांच जने आए थे। तो ये जरा अपने सब तो पहला आप दसांगे कि भाई राम सिंह का ठीक है जी। तो ये बारे पहले मैं तुम्हें क्लिप दे दूँ छोटी जी तो इन शॉर्टली मैं दस दें वैसे तो लिखा हुआ है पिछे तो पर मैं ये भी आप मोटा मोटा दस दी भाई राम सिंह जी ठीक है जी। तो भाई बाज सिंह के भरा सके सके भरा तो बंदा बहादुर जी की फौज जोड़े मुख आप मुख कह सकते हैं कि शासक है ना कह सकते हैं कि प्रमुखी सी जोड़े पूरी फौज ने संभालते जरनैल उन्होंने जरनैल लिखा हुआ शासक सके मतलब सत्थर लग गए और रहियां ते का सिरा नू ला ओ मुखों बोले सो निहाल दे भई सिंह रहे जकारे ला पियां भाजड़ा खान वजीद नू ओ गया सुचा नंद कबरा जिहड़े ए वाला पिछे आपां देख रहे हैं ना बने हुए का मतलब कि यह जिहड़ी मूर्ति है जी जिहड़ा आपां कहांगे कि एक दिख बनाई गई है उन्होंने ठीक है जी। ये भाई बाज सिंह जिन्हां दी मैं पहला जिक्र किया गा है ना आपां उधर तो आ रहे हैं वैसे अपन उधर नहीं जाना चाहते सिर्फ थोड़ा ओपोजिट हो गया क्योंकि उन्होंने एंट्री इधरों की करवाई हैगी। सो जिहड़े ये सीगे ये मीरपुर के वासी सीगे मतलब मीरपुर के विच एक माड़ा माड़ा पिंड है ना उत्थों तो सीगे ये तो जो चप्पड़ चिड़ी की युद्ध हुई उस तो बाद मतलब बाबा बंदा बहादुर जी ने इन्हों अपने जिहड़े अपने आगे सरहद के पहले सूबेदार सीगे नियुक्त किया सीगा ते इन्हां दी मतलब ये बहादुरी की दात आप कहांगे कि दिती जा सकती है कि यह बेड़ियां दे विच जकड़ ले सीगे मुगलों ने है ना। तो बेड़ियां दे जकड़न दे बावजूद भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब मुकाबला किया सीगा ते यह 1716 दे विच जाके शहीद किए गए सी बाबा बंदा बहादुर जी दे नाल ते यह उन्हां दी याद दे विच बनाया ठीक है जी।
गया सरहद दा ओ कई जान मुट्ठी दे विच आ कई फंदे अज बंदे सरहद दी ओ दित्ती अट नाल अट खड़का उने हेठरी क्या वालिया वालिया ओ दित्ता कला अहंकार दा माली सिंह जी जो पिछे स्तंभ बने हुए तुम देख रहे हो इन्हों उच्चिया पदवियां इस करके दिखाई गई ने सारे ही मैं दस दया कि बाबा बंदा बहादुर जी ने फौज के ही सारे मतलब मेन जिहड़े सीगे है ना आप कह सकते हैं सैनिक सीगे जा कमांडर सीगे ठीक है जी। तो भाई माली सिंह तो खास करके इन्हों फौज के कमांडर सीगे भाई आली सिंह के भरा सीगे। तो मैं दस दया कि यह पहला जो सूबेदार सीगा सरहद का सूबे सरहद आप है ना कह सकते हैं कि उत्थे इन्होंने ओदी नौकरी नू छड़ के ते उधरों ओ मुगलां दी मतलब राज दे विचों छड़ के इधर सिखां दे राज दे विच आके मतलब सिखां दी सेना दे विच आके इन्होंने हिस्सा लिया। ते ए भी 9 जून 1716 नू ही जाके मतलब के होए सीगे शहीद होए सीगे। ते इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जंगा सीगे जिहड़ियां बाबा बंदा बहादुर सिंह जी नाल लड़ियां ठीक है जी। ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਤੋ ਥਾਪੜਾ ਹੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਖੇਡ ਲੈ ਹੋ ਮੌਜਾ ਮਾਣ ਲੈ। मतलब मैं पहला सारे ने दसिया गा तो भाई आली है ना जिन्हों का मतलब पहला मैं जिक्र किया बोलियन लैना ठीक है जी भाई माली सिंह बारे तो ये भाई आली सिंह ठीक है जी। तो इन्हों इन्हों के भी इदा ही होया सेम कि इन्होंने भी मुगलों की जी फौज सी पहला मतलब कि मेन मुखी सी पर उधरों सोचण तो आप कई बार हो जाने है ना कि किमें हो सकता है क्योंकि एक वड्डी पदवी छड्ड के बंदे ने नॉर्मल सिचुएशन के आना हो कि औखा लगता गा है ना पर इन्होंने मतलब सिख सिखी बढ़ोतरी देने वास्ते ठीक है जी उधरों मुगल राज दे विचों छड़ के इधर आए तो आके बाबा बंदा बहादुर जी दे नाल मतलब जो पंजाब दे विच एंटर हुए थे बाबा बंदा बहादुर तो उन्होंने फौज के बिच ही आके इन्होंने डट के मुकाबला किया। सेम ही इन्होंने भी मतलब कि 9 जून 1716 ईस्वी के जाके जी शहीदी पाई थी ठीक है जी। मिट्टी दिया बाबिया फतेह सिंह का तुहानू सारयां नू पता होगा कि बठिंडे दे विच भाई चक दे नाम ते जिहड़ा नगर वसाया होया गा ठीक है जी। ते इह भी मतलब अपने बाबा बंदा बहादुर जी दे सिख दे विच मतलब सिख फौज दे विच सीगे ते इन्हां ने भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जंगा सीगियां जिहड़ियां लड़ियां। ते इन्हां दी मेन जिहड़ी सीगी मैं तुहानू दस दिया कि इह जिहड़ी समाणित जित सीगी 1709 दे विच उदू बाद च इह आके इन्हां दे नाल रले सीगे ठीक है जी क्योंकि बाकियों का सीगा कोई अगे पिछे होए हुए नेगे पर शहादत सारे की सेम दिन हुई हुई हैगी 9 जून 1716 में इन्हों की भी उदो ही शहादत पाई तो बाबा बंदा बहादुर जी के नाल ठीक है जी। तो बाबा बंदा बहादुर जी का शासन काल 1708 से 1716 ईस्वी तक का ठीक है जी। जिदा कि मैं तुम्हें दसिया कि उन्होंने शहादत 1716 ईस्वी के पाई सी नादेड़ तो समाणा की जित तो बाद मतलब फिर बारी आँदी सी मेन सरहद की फतेह सरहद की मतलब जितते क्योंकि उत्थे का जिहड़ा सीगा मेन सूबेदार सीगा है ना वजीर खान तुहानू सारयां नू पता कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पहले जिहड़े छोटे साहिबजादे सीगे है ना उन्हां नू शहादतां पाईयां सी जिन्हां ने है ना मतलब इन्नी छोटी उम्र दे विच आपां पहलां वी उन्हां ते व्लॉग बना चुके हां कि तो वो तुसीं पिछे देख सकते हो ठीक है जी। तो अपने जो तुसीं चैनल दे विच खोलोगे तो तुहानू पता लगेगा काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी कुछ दिता होया छोटे साहिबजादे बारे मैं काफ़ी कुछ बनाया गा तो उन्हां दी शहादत नू इन्हां ने ध्यान विच रखदे होए तो वजीर खान मतलब कि उहदे ते तां कोई भी एवें दे दरिंदे दे उत्ते हर एक ने यह सोचना सीगा कि इहनू पहला मुकाया जाए ता कि जिहड़े छोटे साहिबजादियां दी शहादत का बदला लिया जा सके ठीक है जी। तो इस जित दे विच चप्पड़चिड़ी दे विच जिहड़ा मेन सीगा उह सीगा वजीर खान तो उहदे ते इन्हां ने मतलब कि उन्होंने मार मुकाया तो उस शहादत का बदला लिया
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵਲੋਗ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਲੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਬਲੋਗ। ਤੈਂ ਭੱਜ ਜਾਵਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਵਿਆ, ਥਰ ਥਰ ਨੌੜੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆ ਖੂਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਓਏ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਖਾਣ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖਬਰਾਂ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਖਾਣ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖਬਰਾਂ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗ ਨਾਲੇ ਨਿਖਰ ਆਉਣੇ ਦੇ ਫਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ ਹੰਕਾਰ।